नमः शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 12:30 बजे के बाद लागू होगा, जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। आज चंद्रमा मीन राशि में आ चुके हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, भावुक, बलवान, सात्विक, धनी और समाज प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक सोच विचार कर काम करने वाले और उन्नतिशील होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज मुख्यतया माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंता और उन पर खर्च की स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटी यात्रा संभावित है। आपकी कार्य क्षमता के अनुरूप आर्थिक उन्नति होती रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विभागीय कार्य की वजह से कहीं भेजे जा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन दिन भर का भाग दौड़ भी बना रहेगा। शाम का समय आर्थिक लाभ के लिए सहायक होगा। संतान संबंधी और पारिवारिक अनुकूलता बनी रहेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए व्यावसायिक अनुकूलता वाला समय चल रहा है। आपकी मेहनत और चेष्टा सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक उन्नति के प्रति ही केंद्रित रहेगी, क्योंकि आपके दशमें भाव पर गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि बनी हुई है। व्यावसायिक उत्थान में भाई बंधुओं, मित्रों, सहयोगियों और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है अपने आर्थिक विकास में लगा सकते हैं, परिणाम मिलता जाएगा, बशर्ते आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान खुद ही रखना होगा। उसके प्रति नज़रअंदाजी भारी पड़ सकती है। संतान के प्रति चिंता का भाव अभी बना रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति राहत मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलता रहेगा। मिथुन राशि के लिए बौद्धिक क्षमता का पूरे आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल आपको बखूबी आता है। इस गुण का इस्तेमाल अपने व्यावसायिक उत्थान में लगाते रहें, आप सफल होते जाएंगे। ईश्वरीय प्रेरणा आपको अंदर की सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से मिल रही है। आपके नए प्रयोग आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। विरोधी परास्त रहेंगे, पारिवारिक सुख शांति महसूस होगी। मित्रों की सलाह आपके लिए उचित नहीं है। अपने निर्णय को मान्यता देते हुए काम करें, सफल रहेंगे। कर्क राशि वाले जातकों का आज मानसिक रूप से उतार चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आज शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ पा रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे मन में नकारात्मक विचारों का आना जाना लगा रहेगा। अपने अंदर की भरपूर कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास का आज आप सही ढंग से इस्तेमाल कर पाने में असमर्थ रहेंगे। मन के नकारात्मक विचारों को किनारे करते हुए व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक लाभ के लिए प्रयास करें। हालांकि धार्मिक भावना बलवती रहेगी, आज देव दर्शन का योग बना हुआ है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से भ्रमात्मक स्थिति का दौर आपके साथ भी चलता रहेगा। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में कमी महसूस होती रहेगी। आपकी मानसिकता सार्थक पहल करने की रहेगी, मगर विचारों के उतार चढ़ाव में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंच पाने में दिक्कत महसूस होगी। यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। न्यायालय या कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। किसी समारोह में शामिल होने का योग बनता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र के लिए किया गया परिश्रम लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक मामलों में बुजुर्ग व्यक्ति या गुरुजनों का सहयोग मिलता रहेगा। अपने कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल व्यावसायिक पक्ष में करें, लाभान्वित होंगे। शत्रु पक्ष दबा रहेगा, मित्र सहयोगियों से सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी
और नए निवेश का योग बना हुआ है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों में मानसिक रूप से भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी, विशेष तौर से व्यावसायिक पक्ष के लिए, क्योंकि राहु आपके दसवें घर में बैठे हुए हैं। उनकी दृष्टि छठवें घर में बैठे हुए चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे व्यावसायिक मामले में उतार चढ़ाव संभावित है। आपके काम करने के तरीके में त्वरित लाभ की मानसिकता नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। धैर्य रखकर सावधानी से काम करें, आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है, सार्थक और वैध रास्तों को अपनाते हुए कार्य प्रक्रिया जारी रखें, सफलता मिलेगी। घरेलू व निजी जीवन में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो सकता है, संयम रखकर समय गुजारें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज फिर निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव महसूस होगा। आपकी कार्य ऊर्जा तो बनी रहेगी, मगर आत्मविश्वास में कमी संभावित है। व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। दांतों व कानों से संबंधित पीड़ा संभावित है। आपके कार्य करने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा, फलस्वरूप व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अधिक फायदे के लिए बड़े निवेश की तरफ ध्यान ना लगाएं, छोटे छोटे काम और शीघ्र लाभ के लिए प्रयास करें, उचित रहेगा। अधिक जोखिम वाले काम से बचें, विरोधियों के साजिश के शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नसों व दांतों से संबंधित दिक्कत संभावित है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, मगर आपका आत्मविश्वास आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। व्यावसायिक पक्ष में ईश्वरीय सहयोग और किसी महिला अधिकारी का सहयोग शामिल हो सकता है। कुछ ऐसे मामले आ सकते हैं जिसमें आपको खर्च करने के लिए आर्थिक स्रोत पैदा करना पड़े। अपने आग्नेय कोण में एक लाल रंग का बल्ब जला कर रखें, अनुकूलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक विकास और आर्थिक लाभ प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। विरोधी परास्त रहेंगे, न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। धार्मिक रुझान बढ़ा रहेगा, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता जारी है। आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए व्यावसायिक प्रयास में लगे रहें, सफल रहेंगे। खर्चीले प्रसंगों को रोकने का प्रयास करें, आय से ज़्यादा खर्च संभावित है। पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, एलर्जी या नसों से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी, व्यावहारिक और सामाजिक पक्ष सामान्य रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप अति आवश्यक है, साथ ही केले के पौधे में रोज जल डालें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।